बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मंशा बायोज ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर सेकंड चैप्टर, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से। बायो मॉलिक्यूल्स इसमें हम स्टडी करते हैं, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो कि एमडी कैट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी पेयरिंग जो बनती है वो आठवें चैप्टर के साथ बनती है, फंजाई के साथ। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए वो है बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड ही पढ़ना है। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे लिपिड्स हैं, प्रोटीन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए है, और हमारी बॉडी में ये जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जिन रिएक्शंस के ज़रिए से ये लिपिड्स बनते हैं या टूटते हैं, प्रोटीन बनते हैं या टूटते हैं, कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो बॉडी के अंदर बन रहे हैं, कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो टूट रहे हैं, किससे हम एनर्जी ले रहे हैं, किससे एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो हमारी बॉडी की जो एक तकमील है, एक तामीर है, और बॉडी के अंदर जो चीज़ें टूट रही हैं उन तमाम रिएक्शंस को हमने स्टडी करना है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड देयर रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। अब देखिए, बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम इसमें केमिस्ट्री क्यों पढ़ें, रिएक्शंस क्यों पढ़ें, रिएक्टेंट्स को क्यों पढ़ें? तो इसके लिए ज़रूरी है ये समझना कि हमारी बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो केमिकली ऑर्गेनाइज्ड है, वो केमिकल से मिलकर बनी है। तो डेफिनेटली केमिकल्स मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो बड़ी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हमारी बॉडी जो है इतनी बड़ी वो भी मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। तो अगर हमने समझना है कि इनके अंदर कौन से काम हो रहे हैं, अगर हमें समझना है कि इसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स बनी हैं, तो डेफिनेटली वो सारे के सारे समझने के लिए हमें केमिकल एलिमेंट्स का और उनके रिएक्शंस का जो मतालिया करना पड़ेगा, उनको स्टडी करना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा, क्योंकि फिजियोलॉजी है, अगर कोई काम है तो काम क्या है? रिएक्शंस हैं, और वो किससे होने हैं? रिएक्टेंट से। तो इसका मतलब है बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी एक दूसरे से लिंक कर रही है। हमें बॉडी के कामों को समझना है तो वो काम जो हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारी कोई बॉडी की स्ट्रक्चर बनी है तो वो मॉलिक्यूल से बनी है, तो वो स्ट्रक्चर की स्टडी एनाटॉमी है, तो एनाटॉमी को स्टडी करना पड़ेगा, तो हमें बायोकेमिस्ट्री का सहारा लेना पड़ेगा डेफिनेटली उसका ओरिजिन मालूम करने के लिए। तो इसलिए बायोकेमिस्ट्री लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अब देखिए, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ऑन द बेस ऑफ केमिस्ट्री, वो दो तरह के होते हैं, या तो वो ऑर्गेनिक हैं या फिर इनऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक होंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे होते हैं, ऑक्सीजन भी है साथ में, लेकिन ये जो है कार्बन और हाइड्रोजन ये एक ही मॉलिक्यूल में मौजूद होंगे, जैसे कि ग्लूकोज है C6H12O6। इसमें देखें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, तो ये कौन सा है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं होते, दोनों में से कोई एक हो सकता है, जैसे कार्बन मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर और वाटर के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसमें कार्बन नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक है। इसी तरह से अगर हम आगे देखें, जितने भी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी कोई तब्दीली आ रही है, एक मिली सेकेंड के लिए भी हम आँख की जो मूवमेंट करते हैं या हम सांस लेते हैं, उससे भी हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं, तो उन तमाम रिएक्शंस की स्टडी को नॉर्मली हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। वो रिएक्शंस जो हैं वो मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं, और ये मेटाबॉलिज्म डेफिनेटली बायोकेमिस्ट्री में आती है, तो बायोकेमिस्ट्री में भी रिएक्शंस और रिएक्टेंट्स की स्टडी करते हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो स्पेसिफिकली रिएक्शंस हो रहे हैं उन रिएक्शंस को हमने एक नाम दिया है मेटाबॉलिज्म का, तब्दीली का, जो बॉडी में रूनमा हो रही है, और इसी तब्दीली की वजह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग है और वो सर्वाइव ही इन रिएक्शंस के ज़रिए से करता है। अब देखें, ये जितने भी रिएक्शन हैं, या तो बॉडी के अंदर किसी चीज़ को बना रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे एनाबॉलिज्म कहते हैं, जैसे बॉडी बिल्डर हैं वो एनाबॉलिक ड्रग्स खाते हैं तो वो बॉडी को बना रहे होते हैं, और कैटाबॉलिज्म, कटिंग से याद रखिएगा आप, इसमें बड़े मॉलिक्यूल की कटिंग होती है, जैसे हम खुराक को खाते हैं डाइजेशन होती है, तो वो बड़े मॉलिक्यूल हैं लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वो टूट जाते हैं अमीनो एसिड में।
तो कैटाबॉलिज्म बड़े मॉलिक्यूल को छोटे में चेंज करना, और एनाबॉलिज्म जो बड़े मॉलिक्यूल का बनना छोटे मॉलिक्यूल के जुड़ने से, जैसे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जुड़ते हैं ग्लूकोज बनती है, तो ये एनाबॉलिज्म है। और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, साथ में एनर्जी रिलीज होती है, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। तो हमारी बॉडी में कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन जो है ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके इसकी इंटर कन्वर्जन हो रही है। कभी बॉडी में एनाबॉलिज्म की ज़रूरत है, कभी कैटाबॉलिज्म की ज़रूरत है। हम खाना खा रहे हैं तो कैटाबॉलिज्म हो रही है, वो खाना हमारी बॉडी को लगना है, ब्लड से जाके सेल्स में जुड़ना है चीज़ों ने और हमारी बॉडी बनानी है, तो वो एनाबॉलिज्म है। तो दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, किसी एक के बगैर भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अब देखें, जितने भी मॉलिक्यूल हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी सेल में, बैक्टीरियल सेल या मैमेलियल सेल, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस चीज़ की है, वाटर की। 75% ऑलमोस्ट वाटर होते हैं, बाकी जो पीछे बच जाता है उसमें 15-18% प्रोटीन है। ड्राई वेट का यानी कि सबसे ज़्यादा जो वेट होता है वो प्रोटीन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली वाटर के बाद हमें प्रोटीन चाहिए या सेल को प्रोटीन चाहिए। और उसके बाद 15% ये सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, साल्ट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लिया, बायोकेमिस्ट्री की ज़रूरत क्या है, मॉलिक्यूल की टाइप्स कितनी हैं, और हमारी बॉडी में रिएक्शंस जो हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, कौन कौन से रिएक्शंस हैं, कौन से मॉलिक्यूल बॉडी में सेल में सबसे ज़्यादा हैं, कौन से सबसे कम हैं।